यूपी के मेरठ में युवक साजिद की हत्या का राज पुलिस ने चंद घंटों के भीतर ही खोल दिया। इस हत्या के पीछे अवैध संबंधों का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक साजिद की हत्या नहीं हुई बल्कि उसने अपनी प्रेमिका के घर पर जहर खा लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। साजिद के घर उनकी प्रेमिका ने ही अपने भाइयों से उसके मरने का पत्र भिजवाया था। पुलिस ने महिला और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल किठोर थाना क्षेत्र के ललियाना गांव निवासी साजिद परीक्षितगढ़ कस्बे में मवाना अड्डे पर वेल्डिंग की दुकान है। 25 जून से वो लापता था। गुरुवार को उसका शव परीक्षितगढ़ के जंगल में गंगनहर पटरी के पास मिला था। शव की जानकारी एक चिट्ठी के माध्यम से परिवार और पुलिस को मिली थी। ये चिट्ठी साजिद के घर पर किसी अज्ञात युवक ने भेजी थी। इस मामले में एसपी देहात केशव कुमार ने सर्विलांस की टीम को लेकर गहनता से जांच की, जिसमें 25 जून की रात साजिद की लोकेशन लिसाड़ी गेट के समर गार्डन में मिली, जहां उसके गांव की एक युवती की ससुराल है। पुलिस ने शक के आधार पर महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें पता चला कि महिला से साजिद के 20 साल से अनैतिक संबंध थे। 25 जून की रात को वो महिला के पास समर गार्डन में गया था। वो महिला को अपने साथ चलने की जिद कर रहा था। इस दौरान महिला ने अपने बच्चों को छोड़कर उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर साजिद ने महिला की चौखट पर ही जहर खा लिया। महिला ने इस बारे में जानकारी देकर अपने भाइयों को बुलाया। उसके बाद महिला और उसके भाइयों ने शव को गंग नहर की पटरी पर फेंक दिया। पुलिस महिला और उसके भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। ये 25 तारीख को अपने घर से उसी महिला से मिलने के लिए निकलता है। उस महिला को पुलिस ने हिरासत में लेके गहनता से पूछताछ की, तो उस महिला के द्वारा ये बताया गया कि 25/26 की रात को ये मेरे घर पर आया था और ये मेरे को अपने साथ जाने के लिए कह रहा था, जिद कर रहा था, जिसका महिला ने मना किया कि वो भी शादीशुदा है, इस तरह से वो नहीं जा सकती है। तो इस बात पर साजिद के द्वारा कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया गया था। इसके बाद महिला ने बताया कि उसने अपने दो भाइयों को बुलाया, हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास किया, परंतु तब तक इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद महिला ने अपने दोनों भाइयों के साथ साजिद के शव को नहर की पटरी के बगल में रख दिया और इन लोगों को ये उम्मीद थी कि साजिद के घर वालों को इसकी डेड बॉडी के बारे में पता चल जाएगा, परंतु जब 2-3 दिन तक इसके डेड बॉडी के बारे में घर वालों को नहीं पता चला, तो इन्होंने एक लेटर साजिद के घर पर भिजवाया, जिसमें लिखा था कि साजिद की मृत्यु हो गई है, उसका शव फला जगह पे रखा हुआ है। इस लेटर के आधार पर परिजनों ने शव की बरामदगी की, पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पोस्टमार्टम करवाया गया। अब इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।